आपका स्वागत है हमारे चैनल द फ्रीक्स न्यूज पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से चूसली चुगू, नमस्कार, और मुंबई से भूसली भुट्टू जी। ओह, तो आज मैं संवाददाता बनाऊं? तो पहले क्या बनते थे? सूतिया। मतलब मैं स का स बोलता हूँ ना। अबे स का स नहीं तो क्या ल बोलेगा? मैं स का स। ओ अच्छा, मैं च। सूतिया से याद आया, पिताजी कैसे हैं आपके? ये पिताजी तो बहुत बढ़िया है, बस पिछले महीने घर गया था, बहुत मार पीटी थी उन्होंने, मेरे घर से निकाला था ये बोल के कि नेक्स्ट टाइम जब भी घर आए कुछ बन के आई हो। तो उन्होंने पूछा क्या बन के आए, तो क्या था, बोल दिया श्रुतिया, बस फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड विद गोबर एक्स्ट्रा टॉपिंग्स, अब मैं फाइनली घर जा पाऊंगा। इसी के साथ हमारा आज का मुद्दा आ रहा है। ये क्या कर रहे हो? जो आ रहा है वो दे रहा हूँ ना आपको। अच्छा चुसली जी, आप ये बताइए, आप पैदाइशी ऐसे हैं या बाद में हुए हैं? नहीं नहीं, बचपन से हूँ, बचपन में सिर पे चोट लग गई थी, पैदाइशी तो नहीं हूँ ऐसा, इसीलिए तो सिर पे बांध रखा है। हमारा आज का गर्मा गर्म मुद्दा है, अब आप ये क्या कर रहे हैं? अब इतना गर्म है तो हाथ सड़ जाएगा ना मेरा। एनीवेज, हमारा आज का गर्मा गर्म मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण किसे मिलना चाहिए? हम सबसे पहले पूछेंगे चूसली चुगू जी से कि आरक्षण किसे मिलना चाहिए। मुझसे पूछ रहे हो? यहाँ कहीं और भी चूसी, मतलब चूसली है क्या जी? मेरे हिसाब से और तारों और ग्रहों की स्थिति देखते हुए आरक्षण जियो यूजर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 6 महीने से फ्री का इंटरनेट यूज कर रहे थे उनकी शक्लें देखो, बिल्कुल सूसे हुए आम जैसी हो चुकी है, और जैसे जैसे अप्रैल पास आता जा रहा है इनके हम और भी सूसे गए हैं। टेंशन के मारे बेचारों की आंखों पे डार्क सर्कल हो चुके हैं, लार टपकती है इनके मुंह से, दया मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दया की भीख। बस मैं भी जियो यूजर हूं ना। अब हम यही सवाल पूछेंगे भूसली भुट्टू जी से। भूसली भुट्टू जी, आप क्या कहते हैं आरक्षण किसे मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए उन जियो यूजर्स को जिन्होंने फेब एंड में फोन लिया 4G, माँ बाप को लाठी दे करके, और तभी पता लगा कि 1 अप्रैल से जियो सेवाएं बंद हो रही हैं। अब उनके चेहरों की बात तो छोड़ो, चूसे हुए आम को छोड़ो, समझ रहे हैं आप, चूसे हुए आम को छोड़ो, अब तो उनको सुसाइड करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, बेचारों को कमोड में भी डूब मरने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, हिंदी सीट लगवा रखी है ना इसलिए। और तो और एंड में लेके जब उन्हें पता लगा कि 1 अप्रैल से सेवाएं बंद हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि चलो 5 महीने का पूरा डेटा हम एक ही बार में एक ही महीने में यूज कर लेंगे। लेकिन तभी सस्पेंस खुलता है। क्या खुलता है? कि 1 GB लिमिट कर दी गई है डेली की। बेचारों को तभी से यही समझ नहीं आ रहा कि जियो ने उनकी ली या उन्होंने जियो की ली। कन्फ्यूजी आ गए हैं। बाकी तो सब मोह माया है, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स। हाँ मैं फ़ का फ़ बोलता हूँ ना, आपको मालूम है ना अप्लाई में क्या नाम शनाप बके जा रहे हैं, बदतमीज बुढ़े। बुढ़ा हुआ है तेरा बाप, अभी भी इतना दम रखता है, 21 तोपों की सलामी तरह 21 तोपों की। सही बात है, सिर्फ गोले ही जंग खा गए हैं, कारगिल की लड़ाई के टाइम के पड़े हैं ना, उनको तो जंग ही लग गया। हाँ तो ठीक है, तू तो ये भी नहीं कर सकता भाई, तू टेंशन ना ले, अभी भी जवान है, बंदूक रखते हैं साथ में, ठीक है। हाँ बस गोलियां खराब हो गई हैं, बाकी तो सब ठीक है। मतलब तुम लोगों को काम क्या मिल गया, पागल ही हो गए हो हैं, निकल जाओ हमारे स्टूडियो से।